Just like me, it's a mystical good thing. Another night ruined, I don't even know when. So our new vlog, that is first vlog of the year, is going live on the channel like 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए. एक्चुअली ये 4K फाइल है, इसकी डेट टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम. पहले वीडियोज़ डालता था वो 4K नहीं होते थे, अभी के वीडियोज़ 4K है, इसके लिए इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. हैविंग माई मॉर्निंग टी हेयर. बाय द वे, जो नीचे जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये असली कीबोर्ड नहीं है, ये की स्किन है विच आई बॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट. लैपटॉप लेते तो आपको की स्किन ज़रूर लेनी ही पड़ती है, वरना कीबोर्ड के नीचे डस्ट जम जाती है, फिर कीज थोड़े जाम हो जाते हैं. सो या आई बॉट दिस. सो मैं कल घर आके पूरा सो गया था. थोड़ी देर की मैंने नैप ली थी, खाना खाया, फिर वापस सो गया, क्योंकि बहुत नींद आ रही थी मुझे. बट जो मेरे को बॉक्स मिला, मैंने लिखा टू बी कंटिन्यूड, तो मैं वो इस वीडियो में खोलने वाला था, बट ऑलरेडी मेरी मम्मी ने खोल दिया. बाय द वे, मम्मी ने खोला बट अंदर के जो पैकेजेस है वो ओपन नहीं किया, वैसे तो वैसे ही है. आई गेस दिस इज अ हेयर केयर किट, इसके अंदर कुछ ऐसी पैकेजिंग है. आई गेस ये कोई ऑयल है और ओके मास्क है, हेयर मास्क है, तो मैं इसको भी ओपन करता हूँ. Thank you Just Herbs for sending me this hair mask and hair oil. ये करने में मज़ा बहुत आता है नहीं. So this is Java Kusum Hair Oil by Just Herbs. मेथी शिकाकाई शैम्पू by Just Herbs. So ये तीन प्रोडक्ट्स भेजने के लिए, थैंक यू सो मच. आई विल ट्राई इट आउट एंड टेल यू गाइज सून. And by the way, these are all natural and herbal, so you guys can go check out on this site. I will provide the link in the description. So yeah, let's start this video. Right guys, तो मैं अभी थोड़ी देर सो गया था और अभी सीधा मैं जा रहा हूँ जिम. और मैं चल के इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि स्कूटी जो है काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल खाती है, तो उसको सर्विसिंग के लिए दिया है, तो वो कुछ एक्सेलरेटर के केबल्स वगैरह चेंज हो रहा है. एक्चुअली मैं नीचे के रास्ते से भी आ सकता था, बट नीचे गाड़ियाँ हैं, तो मैं ये पुल का इस्तेमाल करते हुए जिम की ओर. भाई साहब, ट्रैफिक देख रहे हो? पता, जहाँ तक मुझे याद है खारगर ऐसा एरिया था जहाँ पे भीड़ काफी कम होती थी, और अभी तो भाई साहब देखो कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है. डन विद द जिम. आज एक्चुअली चेस्ट और बाइसेप डे था, तो मैंने चेस्ट ही मारा, बाइसेप थोड़ा थोड़ा मारा. एज यू कैन सी मेरे बाइसेप थोड़े भी पम्प्ड हो गए. सो आई वाज सेइंग कि जब भी मैं जिम करता हूँ, मैं बाइसेप इज द ओनली मसल विच कैन ट्रेन वेरी क्विकली, मत इज द ओनली एरिया यहाँ पे इतना भीड़ रहता है हीरानंदानी खारगर. आई डोंट नो व्हाई मेरे को बाइसेप्स करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मे बी इसके लिए वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ता रहेगा. एंड बाय द वे, ये जो पीछे आपको जिम दिख रहा है कल्ट फिट करके, इसके जगह पहले एक जिम था YFC करके यहाँ पे. सो मेरा वहाँ पे मेंबरशिप था, उसका एक साल का लिया था. एंड वो जिम, मतलब मैंने 2 दिन माना जिम किया और वो जिम बंद पड़ गया, बिकॉज उसका जो ओनर है उसने उस जिम का रेंट पे नहीं किया. सो मेरा वो जिम में लॉस हो गया. देन आई जॉइन दैट जिम, फिर वो ज्वाइन करने के बाद बीच में लॉकडाउन हो गया. कंटिन्यूस कर रहा, मेरा बॉडी अच्छे से बन रहा है, तो कोई ना कोई आपत्ति बीच में आ ही जाती है. एनीवेज, अभी थोड़ा वापस रेगुलर रहने का ट्राई करूँगा इस बार जिम में. आई होप, फिंगर्स क्रॉस, इस बार कुछ ना हो. दिस इज सेकेंड टाइम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. कल जो था, मेरे को व्लॉग करने के लिए कुछ नहीं था, तो सोचा कि नेक्स्ट डे शुरू कर देता हूँ. एंड राइट नाउ इट्स 12 PM इन द आफ्टरनून, सन ओवर माई हेड. एंड स्कूटी जो है अपनी ठीक होके आ गई है. एक्सेलरेटर का एक केबल होता है, उसमें प्रॉब्लम था, और थोड़ा सा ऑयल चेंज किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्कूटी काफ़ी ज़्यादा तेल खा रही थी, तो सर्विसिंग इसका करना ज़रूरी था. बहुत सारे लोग मेरे को बोले कि मोटो व्लॉग्स और बनाया कर. आई डोंट नो कि बनाओ या नहीं, आप लोग कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, आपको पसंद आएगा अगर मैं ऐसे स्कूटी के ऊपर व्लॉग बनाऊँ. वैसे अपने पास बाइक तो नहीं है, बट जल लेने की इच्छा है. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लव स्पोर्ट्स बाइक, आई लव एडवेंचरर बाइक एंड बुलेट. बुलेट तो अपना सपना है लेना, बट इट इज़ द सेकेंडरी बाइक आई वुड बाय. केबल चेंज करने के बाद एक्सेलरेटर जो है काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सेंसिटिव हो गया. आई मीन थोड़ा सा मैं ऊपर रह दे रहा हूँ और काफ़ी ज़ोर से एक्सेलरेट हो रहा है, सो आई नीड टू बी बिट कॉन्शियस दिस बार.
So I'm back home right now, and let's talk about the topic for which you guys have viewed this video. I mean कि मैं laptop वाला topic इस video में cover नहीं करने वाला था, but then gave it a thought and I thought कि let's add it in the same video. Anyways, तो मेरे को ये जो laptop है Dell G33 500 लेकर 2 से 3 महीना हो गया है, and in this 2 to 3 months I had tried some games on it. I have used it for various purposes, and in this video from right now onwards I will tell you guys my experience about this Dell G33 500 laptop. So पिछला video जो था मैंने इतना detail में नहीं बनाया था इस laptop के बारे में, because the laptop was new for me and I didn't know its drawbacks and advantages. By the time I started using this laptop, मेरे को थोड़े बहुत चीज़ें तो समझ आ ही गए जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, ताकि आपके ऊपर वो रहे कि वो लैपटॉप आप ले या ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहे कि हाँ भाई ये लैपटॉप कैसा है. कुडंट एक्सप्लेन यू गाइज माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस लैपटॉप. सो ये एक ही वीडियो मैं अभी इस लैपटॉप के ऊपर बनाऊंगा, बट इट विल बी द फाइनल वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट दिस लैपटॉप इज अ TI वर्जन. नाउ अगर आप कोई लैपटॉप लेते हो तो उसके दो वेरियंट्स आते हैं, एक TI वर्जन होता है, एक नॉन TI. So this is 1650 Ti version of Dell G33 500. So I know आप सब लोग अभी बोलोगे कि भाई TI और non TI में फर्क क्या होता है. Well, TI version में एक TI card होता है, TI version वाले laptops में एक shader processor होता है जिससे कि processing थोड़ी fast होती है compared to non TI version, and इतना कोई फर्क नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है, but TI version is bit costlier than the non TI version. So yes, this is TI version of Dell G3 3500. I hope that was adequate information. अगर आपको TI non TI के ऊपर और कुछ जानना है तो आप Google कर सकते हो, shader processors के बारे में Google कर सकते हो, you will get ample of information there. So if you talk about the laptop, it has 2 USB 2.0 ports, 1 RJ45 port, a card reader slot, a power adapter port and a security port. So talking about its size, it is a very slim laptop, like you can carry it anywhere in your bags. It is a 2.2 kg laptop, matlab 2 kilo ka iska wazan hai, and that's why they have made its plastic body. Kya hota hai, mostly jo gaming laptops hote hain unka weight kafi zyada hi hota hai, so they give a plastic body kyunki agar metallic finishes denge to uska weight aur badhega aur laptop kafi zyada bhari ho jayega. अभी मैं यहाँ पे वेल डिज़ाइन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके जो कूलिंग फैंस है वो लैपटॉप के पीछे है, पीछे एज एन बैक साइड ऑफ द लैपटॉप, क्योंकि बहुत जो लैपटॉप्स होते हैं उसके कूलिंग फैंस कभी कभार नीचे होता है. सो वेन एवर वी यूज़ दोज लैपटॉप्स, उसका एग्जॉस्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता और उसकी वजह से लैपटॉप ओवर हीट होता है. नाउ कमिंग टू द हीटिंग इशूज़, हाँ ये लैपटॉप में थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज है, लैपटॉप हीट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई प्ले हैवी गेम्स, इवन व्हेन आई एडिट माय वीडियोस इन 4K और व्हेन आई यूज एडोब प्रीमियर प्रो, तो थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज है, बट दे कैन बी सॉर्टेड बाय यूजिंग अ कूल पैड. सो इफ यू आर थिंकिंग टू गेट दिस लैपटॉप, मेक श्योर यू इवन गेट अ कूलिंग पैड. बट टाइम ऐसे भी होता है कि हीटिंग की वजह से फ्रेम ड्रॉप होता है, सो वो भी अवॉइड हो. As we start the laptop, we can see that automatically starts. It's on us कि हम उसको automatic start का option रखें, या you get a button over the keypad. Get this button over a keypad so you can press it for 3-4 seconds and the laptop will start. By the way, this is not just a button but a fingerprint scanner. ये last video में नहीं बोला था कि इसमें fingerprint है, like मैंने उसका इतना detailed बताया नहीं था, but it is so quick that whenever I just touch it, देखो शुरू भी हो गया. So it has one of the best fingerprint scanner. By the way, जो आपको कीपैड दिख रहा है ना, ये की स्किन है, इसके नीचे जो है कीपैड है. सो कुछ कीज जो है जो इसमें यूनिक है वो ढक गया है नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी.
So the speciality about this laptop is that it has a G button. ये आपको games खेलते हो और आपका हर laptop काफी ज़्यादा heat हो जाता है. So whenever we press that G button, fan automatically starts inside the laptop and the cooling process starts. Really honest, I didn't get this laptop to play games because I never played games in my life. ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं खेले. I used to play, but I am not that hardcore gamer. But मेरे को एक laptop लेना था जिसमें SSD है. अभी आता है SSD पे. धीरे धीरे मैं आपको ये कवर करूंगा सारे टॉपिक्स. सो मेरे को एक ऐसा लैपटॉप लेना था जिसमें SSD हो और सारे SSD लैपटॉप जो है 65,000 के ऊपर आता है. सो आई इंक्रीज माई बिट बजट फॉर वीडियो एडिटिंग. हाँ जी, वीडियो एडिटिंग के लिए लिया है ये मैंने. अभी बात आती है भाई स्टोरेज के ऊपर. मतलब स्टोरेज अगर आप देखने जाओ ये लैपटॉप में तो आपको 1 TB मिलेगा, 512 GB मिलेगा. तो ये जो मेरा वेरियंट है लैपटॉप का, दिस इज फुल SSD 512 GB. अभी भाई मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ. दो चीजें होता है हार्ड ड्राइव. एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव होता है जिसको अपन SSD बोलता है, दूसरा SSD होता है, दैट इज फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव. जिसमें क्या होता है कि एक चिप होता है अपना मेमोरी कार्ड कैसे होता है. तो SSD में होता क्या है कि एक चिप होता है, हमारे जो फोन का मेमोरी कार्ड जैसे होता है वैसे ही एक चिप होता है और उसमें पूरा डेटा अपना स्टोर रहता है. वेरास HDD में एक मैकेनिकल ड्राइव रहता है. HDD में आपका जो डेटा है, अगर लैपटॉप कहीं गिरे या कुछ हो जाए लैपटॉप को तो वो डेटा लॉस हो सकता है, बट SSD में वो डेटा कभी लॉस नहीं होगा. वेरास देखने जाए तो SSD और HDD में और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है और ये लैपटॉप की स्पीड में भी कंट्रीब्यूट करता है. तो HDD लैपटॉप जितने भी होते हैं उनकी स्पीड देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है कंपेयर टू SSD. आप अगर कोई HDD लैपटॉप खोलो और SSD साथ में खोलो तो HDD लैपटॉप को शुरू होने ही 30 सेकंड लगते हैं. वेरास SSD जैसे आप खोलते हो लैपटॉप तुरंत शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई फाउंड इन SSD. अगर आपको कोई ऑप्शन देता है कि 1 TB HDD या 512 GB SSD, गो फॉर 512 GB SSD. अभी मेरे जैसे बड़े बड़े 4K फाइल्स की एडिटिंग करते हो, यू कैन आंख बंद करके गो फॉर दिस लैपटॉप. सो आई गॉट दिस लैपटॉप फ्रॉम क्रोमा फॉर 81,000. बट अगर आप इसको ऑनलाइन देखो तो मे बी आपको थोड़ा सस्ता मिले. बट आई प्रेफर यू गाइज कि आप कोई भी अगर महंगी चीज़ लेते हो, भले ही वो आपको दुकान में 1 या 1.5 हज़ार ज़्यादा महंगी मिल रही हो, तो आप दुकान से ही लो. लैपटॉप के साथ आपको ऐसे कोई एसेसरीज नहीं मिलते, आपको एक बैग ज़रूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए. अगर आपको बैग नहीं मिलता तो आप वो स्टोर पर केस ठोक सकते हो. सो लैपटॉप लेने जाओगे बैग लेके या ना, और मेरे को कमेंट में बताना कि आपने बैग लिया या नहीं लिया. Also, Just Herbs की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक आउट दोज प्रोडक्ट्स एंड यू कैन ट्राई देम आउट एंड टेल मी हाउ दे वेयर यू. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल लगा. यू गाइज कैन रेफर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड और समवन हु इज ट्राइंग टू बाय अ लैपटॉप और हु इज कंफ्यूज कि उसको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए. यू कैन शेयर. आपने ये लैपटॉप ले लिया है या आज लेने वाले हो, लेने की सोच रहे हो, सो लेने के बाद मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपना जरूर टैग करना. And my Insta username is being sexy. So yeah, see you in the next video. Till then, take care, stay sexy, bye.